हेलो बच्चों, हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला का भाग एक मतलब इसका पहला पार्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। यदि आपको नहीं मिला है तो आप लिंक पे जो ऊपर आ रही है उस पर क्लिक कीजिए और उसको आप देख लीजिए। बात करते हैं पार्ट टू की, तो देखें इसमें क्या है। काव्य बोध इसमें आएगा, काव्य की परिभाषा भेद, रस क्या आएगा, छंद, इसमें टोटल कितने नंबर हैं ये पूरा लिखा है, टोटल 14 अंक हैं इसमें। तो देख लें कैसे क्या वो डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले देखें काव्य की डेफिनेशन। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य जिसे सुनकर के आनंद उठाया जाता है, जिसे सुनकर रस की अनुभूति हो उसे श्रव्य काव्य, और जिसे सुनकर और देखकर रस की अनुभूति हो उसे दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के बेटा दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, और तीसरी होती हैं आख्यानक गीतियाँ। ठीक है, तो प्रबंध काव्य क्या होता है, जिसमें जीवन का विशद वर्णन हो। मुक्तक काव्य क्या होता है, जो स्वयं में पूर्ण होता है। ठीक है, और आख्यानक गीतियाँ क्या होती हैं, जिसमें जीवन के किसी अंश या घटना को लेकर विशेष व्याख्यान होता है। अब देखें प्रबंध काव्य के भी भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य का पूरा वर्णन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है और खंड काव्य का नीचे है। महाकाव्य जिसमें जीवन का, जिसमें महान काव्य, एक विस्तृत काव्य होता है, वो बच्चों महाकाव्य पूरा आप देख लें और इसको पढ़ लीजिएगा। अब बारी आती है रस की। तो रस किसे कहते हैं, तो सहृदय, सहृदय के हृदय में स्थित स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग कितने होते, चार। कौन कौन से, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक ऑब्जेक्टिव बनता है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो बच्चों संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33। ठीक है, तो संचारी भाव की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती कभी कभी, या स्थाई भाव की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको देख लें, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद रस के अंग तो मालूम ही है आपको। अब यहाँ कुछ रसों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे वीर रस। तो ये वीर रस की पूरी परिभाषा लिखी है और उसका उदाहरण है बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा हास्य रस, श्रृंगार रस और भी पूछ लिया जाता है। अब देखें छंद की बात, तो काव्य के अनुशासन को छंद कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। अब देखें यहाँ पे जैसे दोहा छंद, तो जिसके पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती वो दोहा छंद कहलाता है। कुल 24 मात्राएं होती। उदाहरण, रही मन पानी राखी बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। फिर चौपाई छंद के बारे में लिखा है, इसमें क्या होता है, यह सम मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। फिर आपको चौपाई लिख देना, मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्म सुदशरथ अजर बिहारी। अलंकार, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। बच्चों अलंकार गहना होते हैं काव्य का। इसके भेद लिखे हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, जहाँ शब्द से चमत्कार हो फिर जहाँ अर्थ से हो ये पूरा। अब अनुप्रास अलंकार देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटा उपमा अलंकार देख लीजिएगा, रूपक अलंकार, ये पूरा आपके सामने निकलता जा रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। अब उपमा अलंकार का यहाँ ज़्यादा वर्णन कर दिया गया है, मैं आपको सलाह दूंगा अनुप्रास अलंकार आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति और अन्योक्ति अलंकार का भी अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है। उत्प्रेक्ष अलंकार देख लें यहाँ पे, और मानवीकरण अलंकार ये आ रहा है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण का वर्णन बच्चों छायावाद में बहुत ज़्यादा किया गया है। छायावाद जो कवि होते थे वो मानवीकरण पर ज़्यादा फोकस करते थे। अच्छा, एक नया अलंकार ऐड हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश। तो क्या है, जहाँ काव्य में एक ही शब्द के समान अर्थ में लगातार बार बार आवृत्ति हो वो पुनरुक्ति। जैसे कि घेर घेर घोर घरन धरा घर, ओ पूरा लिखा है बच्चों देख लें, घेर घेर, देखिए बार बार आ रहा है ना, दूसरे में वन वन। अब देखें यहाँ रस के कितने अंग होते हैं बच्चों, तो रस के अंग होते हैं कितने, चार। शांत रस का स्थाई भाव, निर्वेद। हाँ, रस के जो स्थाई भाव हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी तैयार कर लीजिएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव कितनी होती है संख्या, देखें 8वां प्रश्न है, कितने होते हैं, 33। उत्साह किस रस का स्थाई भाव है, तो उत्साह क्या होता बेटा, वीरता का। करुण रस का स्थाई भाव तो होता है शोक। चौपाई में कितनी मात्राएं होती बच्चों, 16। कैसे, चौपाई, चार पाई मतलब 4×4। चौपाई किसे, चार पाए किसके रहते, पलंग के रहते हैं, या चार पाए किसके रहते, चार पैर जानवर के, तो 4×4 कर दो बस, 16 चौपाई में 16। अब आश्चर्य, आश्चर्य होता है अद्भुत। अलंकार के कितने भेद होते बच्चों, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब देखें यहाँ खालिस्तान, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किसमें होता, तो महाकाव्य में। महाकाव्य विस्तृत काव्य होता है ना एक्चुअल। पंचवटी क्या है बच्चों, खंड काव्य। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। काव्य के कितने भेद होते, 2, दृश्य और श्रव्य। पूरा लिखा हुआ है, 2 है, 1 कैसा है, मात्रिक छंद कहलाता है। अब सत्य असत्य, तो ये सत्य असत्य भी देख लें आप लोग बहुत अच्छे से। साकेतिक खंड काव्य है, तो नहीं भैया साकेतिक महाकाव्य है।
याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी की वो रचना है। फिर उपमा अलंकार के चार अंग होते, जी हाँ सत्य बात है। फिर सही जोड़ी देख लें आप, उत्प्रेक्षा अलंकार शांत चार चरण देखें सब कुछ। और दूसरा देखें अलंकार, अलंकार क्या होते हैं तो अलंकार के बारे में देखें, दूसरे का है गा वाला क्या रूपक अलंकार का उदाहरण। अब देखें एक शब्द में उत्तर जो आ सकते हैं प्रश्न, कौन कौन से काव्य की परिभाषा दीजिए, काव्य के प्रकार बताइए, महाकाव्य की परिभाषा, खंड काव्य किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आ सकते हैं, स्थाई भाव किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, फिर छंद की परिभाषा, स्थाई भाव ये भी आ सकता है, शांत रस का स्थाई भाव, ये सब पढ़ लीजिएगा बच्चों लाल रंग से जो स्पेशल आपके नोट्स हैं। फिर बारी आती है गद्य खंड की। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमारे रेगुलर आप हमारे व्यूअर बन जाइए और हमें सपोर्ट करते रहिए। देख लेते हैं इसमें पूरे 16 अंक आवंटित है। अब देखें प्रश्न, कहानी की डेफिनेशन आई है, कहानी किसे कहते हैं, कहानीकारों के नाम पूछ लिए गए और दो कहानियों के नाम, फिर निबंध किसे कहते हैं, फिर निबंध के परिभाषा पूछ ली गई, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी में कितने अंक होते, तो एक अंकी मतलब जिसमें केवल एक अंक हो, फिर सत्य सत्य आए हैं तो ये सत्य सत्य भी देख लें आप, तो पूरे सत्य सत्य यहाँ पूरे सामने उत्तर लिखे हुए हैं। सही जोड़ियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना, यहाँ पूरे देखें सामने उत्तर है, पहले का शाह मतलब रामचंद्र शुक्ल क्या है, शुक्ल युग से रिलेटेड है। फिर रिक्त स्थान आ गए, प्रेमचंद्र क्या कहलाते, उपन्यास सम्राट, नाटक में कितने अंक होते, 7 अंक होते या अनेक अंक होते हैं, एकांकी के तत्वों के नाम, तो ये पूरा उत्तर लिखा हुआ है बेटा। फिर नाटक एकांकी में क्या डिफरेंस है, तो ये पूरा उत्तर है, देखिए नाटक में कितने अंक होते हैं, अनेक अंक, एकांकी में एक अंक होता है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर, ये भी अपने आप में एक मज़ेदार और अच्छा प्रश्न है, कहानी छोटी होती उपन्यास बड़ा होता है, ठीक है। फिर आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ये प्रश्न नंबर 4 जो आ रहा है, देखिए आत्मकथा क्या होती है, लेखक के स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के जीवन पर। अब यहाँ देखें गद्य खंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। नेताजी के चश्मा से, नेताजी का चश्मा कहानी किस भावना को जगाती है, तो ये देशभक्ति की भावना को जगाती है, देख लिया आपने बच्चों। 8400400400, जी हाँ इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउट नेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6-12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर लिखा है वह फेरी लगाकर क्या व्यस्तता था, ये पूरे है रिक्त स्थान की पूर्ति, देख लीजिए यहाँ पे आ गया, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी, संगमरमर की, और किसने बनाई थी, मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी, संगमरमर मूर्ति में क्या था, संगमरमर का ही चश्मा बना हुआ था, ये पूरा लिखा हुआ है। नेताजी की मूर्ति किस विभाग द्वारा लगवाई गई थी, नगर पालिका के द्वारा। फिर ये प्रश्नोत्तर, ये नेताजी का चश्मा पाठ क्या शिक्षा देता है, ये थोड़ा स्पीड में निकल गया। फिर बात आती है बाल गोविंद भगत मतलब राम रक्ष मणिपुरी की रचना, तो राम बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो कबीरदास को मानते थे। एक सच्चे साधु की क्या पहचान होती है, कैसे होती है, उसके विचारों से होती है। रिक्त स्थान देख लें आप, बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के थे, 60 वर्ष के थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे, गलत है ये। फिर यहाँ पर देखें पूरा ये आपके सामने है, एक शब्द में उत्तर। तीसरा देखें भगत जी किसके पद गाते थे, तो कबीरदास जी को बहुत मानते थे। अब देखें लघुत्तरी प्रश्न क्या आ सकते हैं, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, इस कथन से आशय भगत जी के गृहस्थ होने के बाद भी साधु कहलाते क्यों। फिर देखें अगला मानवी करुणा के दिव्य चमक, तो बच्चों ये जो है ये अर्धवार्षिक के हिसाब से आउट ऑफ कोर्स है, मगर वार्षिक हिसाब से मैंने ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, ये सारे के सारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं और अर्धवार्षिक में भी नॉर्मली पूछा जा सकता है इन प्रश्नों को। देखें सत्य सत्य यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पूरे लिखे हुए हैं। फिर सही जोड़ियाँ आ रही हैं, देखें पूरे उत्तर नीचे हैं आपके सामने, वीडियो में बना फटाफट पढ़ाते जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लें। अब देखें एक शब्द में उत्तर, दिनमान का उपसंपादन किसने दिया, तो किसने दिया था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लघुत्तरी प्रश्न, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था, ये पूरे 3 प्रश्न हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी की बहुत अच्छी रचना। मन्नू भंडारी ने किस आंदोलन में भाग लिया था, तो देश की आज़ादी के लिए। घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने से ऐसा क्या होता है, सारे मोहल्ला एक जैसा हो जाना, मतलब घर हो जाना। मन्नू भंडारी मूल
मूलतः क्या है? एक कहानीकार है। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो सुशीला था। महाभोज मन्नु भंडारी का क्या है? एक उपन्यास है। शीला अग्रवाल अंग्रेजी की प्राध्यापिका थी, सही है या गलत है? तो ये गलत था, ठीक है। फिर मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे, सही बात है। फिर सही जोड़ियां हैं, देखें पूरा ये लिखा हुआ है। ये मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था? राजेंद्र यादव से हुआ था। फिर यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न आ रहे हैं, तीन, मन्नू भंडारी की माँ के व्यक्तित्व पर टिप्पणी, तो देख लीजिएगा। अब ये अगला पाठ आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। बौद्धों के ग्रंथ का नाम, बच्चों ये अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से तो कोर्स में नहीं आएगा, मगर वार्षिक के हिसाब से वीडियो बना है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपके सामने है, पढ़ लीजिए इसको। सत्य असत्य देखें, प्राचीन भारत में स्त्रियाँ अत्यंत विदुषी थीं, सत्य बात है। सही जोड़ियाँ आ रहा है, यहाँ पर देख लें इनके उत्तर भी। बच्चों वीडियो अगर आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी अच्छी जानकारी जब भी मिले तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये जी महाकवि कालिदास जी हमारे, ठीक है। स्त्रियों का पढ़ना क्यों जरूरी, ये प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं, नीचे आ रहे हैं बच्चों, इनको भी देख लीजिए बहुत अच्छे से। अब संस्कृति पाठ से ये आ गया, संस्कृत मानव किसे कहा गया? तो न्यूटन को। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। शीत से बचने के लिए आविष्कार किसका हुआ था? सुई धागे का, कपड़े बने थे ना। फिर आवश्यकता आविष्कार की क्या होती? जननी। संस्कृति रचना है क्या है? एक निबंध है। फिर आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार किस पे हुआ? असंस्कृति पे। फिर रूस का भाग्य विधाता कौन कहलाता है? ये पूरी सही जोड़ियाँ मिला नहीं है, तो ये कहलाते हैं लेनिन, रूस के भाग्य विधाता। फिर एक शब्द में उत्तर, कैसा व्यक्तित्व निठल्ला नहीं बैठ सकता? संस्कृत व्यक्तित्व, ठीक है। फिर अगले देख लें, लघुत्तरी प्रश्न वगैरह आ रहे हैं आपके सामने। संस्कृत व्यक्त किसे कहा जाता है? संस्कृति शब्द असंस्कृति में कब बदल जाती है? पेट भरा तथा तन ढका व्यक्ति जगमगाते तारों को देखने के बाद क्यों नहीं सो पाता? फिर यहाँ पर देखें, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या सहित आपको व्याख्या करना है। तो ये जो गद्यांश होते हैं बच्चे, ये बड़े बड़े होते हैं, तो गद्यांश को तो आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी है, जिसकी आपको जानकारी इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।